hi everyone welcome to our new podcast and today somehow i like i'm very really, very really happy aur mujhe kitna acha lag raha hai person ne mera shuruaat to become a freelancer and to do good and to start making money and do good stuff as a freelancer uh, shubhangi didi is here and i'm so excited to have her unhone mujhe aisa bada sa introduction bheja tha but i socha ke ye sabse the hoga ke i am hu she has become an anchor to that and uh, i met her six, seven years back and that's how it started. Uh, she has done her bsc from birla institute of technology and animation and multimedia. Uh, she has been freelancing for over, i think, nine or ten years one day. Abhi, yeah. and uh, she has worked with various big brands like bbc, coca-cola, sbi, and uh, she started her journey with making 2d illustrations. now she's making 3d illustrations, nfe's, and Definitely making, you know, huge progress as an artist. So I thought let's share her journey with you all. So let's get started. Yes, and uh, I've seen you also grow. I've seen you as a little kid like six, seven years back. And but that time also you were a big go-getter.

यार उस टाइम तो मार्केट एक्चुअली था नहीं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड मतलब जितना अब हम सुनते हैं ना उस टाइम लिटरली नहीं था और मैं भी ऐसे ना फ्रीलांसर बनना है ऐसे नहीं बनी मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रही थी तो क्या हुआ कि बहुत लोग मुझे अप्रोच करने लगे क्योंकि सब एडवर्टाइजिंग में थी और वो जो लास्ट मिनट काम होता है ना दूसरे uh, मतलब नॉट फ्रॉम माय कंपनी बट अदर पीपल आल्सो एंड हमारी फॉर्म तो में बहुत कूल कर सक आप 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 काम कर सकते हो अपना काम खत्म करो बाकी जो आप कर रहे हो कर सकते हो हाँ। तो हमारे जिस ऑफिस में मैं थी उसमें ना प्रोजेक्ट्स के बीच में बहुत गैप होता था तो तब तक मुझे लोग दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी बोल देते थे तो आई डोंट नो आई शुड बी सेइंग दिस बट ऐसे करके बहुत सारा काम मिल जाता था और इतना मिलने लगा कि मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तो है मेरे पास तीन चार महीने का काम आगे तो फिर मैं ऐसे बनने लगी फ्रीलांसर मुझे भी नहीं पता था मैं फ्रीलांसर कैसे बन गई पर right. uh, दीदी फिर जब आपको पता चला कि आपके पास में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी तीन चार महीने का आगे का आपके पास प्रोजेक्ट्स है फिर मतलब जैसे आपने बताया कि इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आया आपका जॉब छोड़ने

और उस टाइम कृष्णा मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं कब तक फ्रीलांस कर रही हूँ और या फिर मैं कोई और जॉब भी ज्वाइन कर लूँगी या क्या करूँगी वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस टाइम ऑफ माय लाइफ था कि मैं अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो कर ही लेंगे बट शोट शॉर्ट पता नहीं था कि ये भी मैं रिजेक्ट नहीं थी कि मैं फ्रीलांसिंग ही करूँगी मैं, मैं थी कि मैं कोई और जॉब कर लूंगी बट uh, ये वाली जॉब मुझे उस जॉब में लग रहा था कि हाँ मेरा अब यहाँ टाइम खत्म हो गया आई नीड टू मूव ऑन कुछ कुछ ट्राई करते कुछ सोचते हैं तो मैं उस जोन में थी उस नहीं मतलब ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म करियर पाथ या जैसा बोलते हैं ना करियर डिजाइन करना है या करियर आगे मेरे को 10 साल बाद क्या करना है उसके हिसाब मैं अभी काम करें करूंगा करेंगे ऐसा ऐसा उस... कुछ आप भी सोच उस टाइम पे मैंने इतना नहीं सोचा था बट मुझे पता था कि मुझे अच्छा काम करना है बेसिकली मैंने वो जॉब भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां पे ना बहुत शिफ्टिंग ऑफ द ऑफिस और वो और जिन जिन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैं शुरू में काम कर रही थी ना वो एकदम बंद हो गए थे और उस टाइम 2021 में आपको इतना जोश होता है आपको लगता है आप तो पूरी <laughs> सीन एनिमेशन तो बना लोगे ये मुझे लग रहा था मेरा पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा है और वही जब मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स देख रही थी मतलब पूरे प्रोजेक्ट्स मैं ही पुल ऑफ कर रही थी और तो फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा मेरे को अब कुछ करना है वाली वो थी क्या करना है ये नहीं बता पर कुछ अच्छा करना है राइट 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 तो स्टार्टिंग से आप अकेले ही काम करते थे इस मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स पे अकेले से ही काम करना शुरू किया आपने हमसे अपने कोई टीम या कोई पार्टनर ऐसा था आपके पास स्टार्टिंग में मैंने अकेले ही काम करना शुरू किया बट जब फिर बड़े बड़े एनिमेशन वीडियोस आने लगे तो मेरा हार्ट को स्ट्रेस इेशन रहता है बट देन फिर आई स्टार्ट लुकिंग अप फॉर पीपल देन वन ऑफ कॉलेज फ्रेंड्स ओनली हु हु इज फर्स्ट अ कॉलेज फ्रेंड देन अ बिजनेस पार्टनर देन अ लाइफ पार्टनर तो ही वॉज वेरी अप टू इट की ही सेट कि आई वर्क विद यू फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में तो वी स्टार्टेड टेकिंग प्रोजेक्ट्स टुगेदर

बट उसके बाद जब थ्री फोर मंथ्स खत्म होने लगी तब थोड़ा थोड़ा पैनिक और एंगजाइटी होने लगा अब क्या करूँ अब क्या करूँ तो माई सिस्टर शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड शी इज वेरी उसको पता रहता है कौन सी वेबसाइट आई और शी इज वेरी टेक्स एवी तो उसने मेरे को बताया कि एक वेबसाइट आ रही है फ्री लैंसर डॉट इन उसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें बिडिंग चलती है तो जस्ट अपना अकाउंट बना ले और मैंने उसको उस टाइम तो सीरियसली नहीं लिया बट उसने मेरे को ज़बरदस्ती बैठ की तू तो इस पे अकाउंट बना हम दोनों साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि रोज़ लोगों को मुझे पता ही नहीं था इतने लोगों को दुनिया में एनिमेशन चाहिए होती है तो नए नए स्टार्टअप्स के फाउंडर्स वहाँ पे वो भी इंडिया के नहीं बाहर के बेस्ड तो तब मैंने फर्स्ट अपना वाइट बोर्ड वीडियो उस वेबसाइट से बनाया था ऐसे कुछ नौ दस हजार रुपये में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि भाई ऐसे भी काम मिल सकता है तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसके बाद बहुत सारी एनिमेशन की एक्चुअली फूल का जो फाउंडर अंकित है अंकिता अग्रवाल वो ऑलरेडी प्रीवियस वर्क्स देख ही थे जो आपने शुरू करे थे आसपास ही था उसी के आसपास था और उस टाइम तो कोई करता भी नहीं था वो मुझे लगता है तो मेरा ट्रेंड आ गया है कि शादी में दोनों एनिमेशन बट उस टाइम पे हाँ वो मैंने अपनी फैमिली से ही स्टार्ट किया था मैं अपनी सिस्टर्स की वेडिंग्स की कार्ड्स बना रही थी और फिर मैंने बी हैंड्स पे डाल दिया था वो फिर उसकी वजह से बहुत लोगों ने मुझसे बनवाए थे कार्ड्स सो hmm. so, uh, हाँ कृष्ण ऐसा मैं ये पूछ रहा था कि मतलब फ्रीलांस जब आप करते हो तो ऐसा भी होता है क्या कि एक टाइम पे सेम काम आ रहा है मतलब सेम टाइप का काम सेम क्लाइंट्स ऐसे काम लेके आ रहे हैं जो हमने कर दिया है और अब बहुत हो 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 गया गया है 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 काम बार बार वही चीज़ रिपीट रही तब ऐसे टाइम पे आप क्या हो? Yeah. I mean, I yeah. क्या करते करते आपको शिफ्ट करना करना होता कि मतलब अभी अभी अपग्रेड ठीक जैसे आपने छोड़ दिया आई डोंट थिंक आप वो कोई आ जाए Uh, मतलब और बजट वजट सब मैच कर करता है तो आई बी अपर वो ऑर्गेनिकली अब क्या हुआ कि लोग जो मैंने ये नोटिस किया वो भी मुझे अपनी फैमिली के थ्रू ही पता चल रहा है जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना वो ही प्रोवाइड कर देते हैं अब आपको वो एनिमेशन तो अब इसलिए वो तो नहीं आता बट जनरली जनरली जब सेम सेम टाइम का काम आ रहा होता है तो मुझे ये लगता है कि uh, साथ में कुछ ना कुछ और डिफरेंट चल ही रहा होता है और फिर हम हम फ्रीलांसर्स का तो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि beggars are not choosers तो जिस मंथ में अगर रेवेन्यू मतलब आई तो कीप ऑन ट्रैक ऑफ द रेवेन्यू दैट वे अगर कम है तो आई टेक एनी सॉर्ट ऑफ वर्क मतलब मुझे काम को मना बहुत अच्छा नहीं लगता करना कि मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में मैं काम को मना करूँ बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट एंड फ्री में बहुत ऊपर नीचे चलता है Now, ना आपका इंस्टाग्राम ग्रो कर गया राइट

freelancing may key you need to have multiple source of incomes so uh, you can't just rely on the client projects so you were saying that key why did i start youtube also youtube is also a long term thing because you know five, uh, five four five years may you can actually think if you're consistent you will generate revenue out of it so uh, that is one income source so i can't uh, then nfts have, have come

मतलब आपने ये तो आइडेंटिफाई किया कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए मल्टीपल चैनल्स होने चाहिए रेवेन्यू के लेकिन कौन से कौन से चैनल्स होने चाहिए ये कैसे गेज किया आपने जैसे आपने बताया आपने एन भी शुरू किया यूट्यूब भी शुरू किया तो ये आपको कैसे आपने डिसाइड किया कि ये सब भी ऑप्शन हैं हमारे पास में और इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टैलेंट के हिसाब से सा, अपने काम के हिसाब से सा. एक्चुअली कृष्णा अवेयर रहे कि बेसिकली बाकी आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं इनफैक्ट मैं तो खाली आर्टिस्ट से नहीं मैं उस दिन एक मेकअप आर्टिस्ट की ही वीडियोस देख रही थी मैं उनसे इंस्पायर हो रही थी कि उन्होंने कैसे अपना मतलब आ, टीचिंग करके वो जस्ट सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है वो साथ में क्लासेस लेती है वर्कशॉप्स लेती है तो मैं ऐसी चीजें किसी भी पर्सन की जो मुझे पसंद आती है ना मैं एम्बाइब कर लेती हूँ चाहे वो किसी भी फील्ड का हो चाहे वो शेफ हो चाहे वो कुछ हो तो उनका मैंने देखा वो किस तरह से वर्कशॉप ले रही है फिर मैंने बीच में स्टार्ट किया मैंने वन ऑन वन थ्री डी वर्कशॉप की उसका उस टाइम तो मेरा जस्ट इंस्टाग्राम टेन के था अभी अभी से हाफ था फिर भी मतलब मेरा काफी स्टडी इनकम हो गया वो वन ऑन वन थ्री डी मॉडलिंग की वर्कशॉप्स लेते रहते तो आप बस ये देखो आप बहुत एक्चुअली मैं एज अ पर्सन बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाती हूँ चीज़ों से मैं बहुत क्विकली देख लेती हूँ कि आ, किसका क्या अच्छा है और मैं चुरा लेती हूँ बहुत ही शेमलेसली वो तो आई एज अ पर्सन आई एम अ पार्ट ऑफ सो मेनी पीपल तो ऐसा मुझे लगता है इफ आई एम मेकिंग सेंस या सॉरी तो बोलो बोलो यू हैड अ क्वेश्चन वो कंटिन्यू नहीं मैं बस ये पूछ रहा था कि इतना सब करने के लिए आप मैनेज कैसे कर दो रहे मतलब आ, मैं भी आपको था। 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 तो really like. <laughs> मैं इतना सब मैनेज कैसे करती हूँ बिकॉज आई लव डूइंग इट सो आई टेक आउट टाइम एंड देन मतलब मैं अपने पार्टनर सिद्धार्थ से भी यही डिस्कस कर रही थी <laughs> हमारे पास कुछ और है नहीं लाइक like वो काम मतलब प्रायोरिटी हमने दे ही रखा है काम को अभी इस टाइम पे जो हमारा फेज है लाइफ का तो मुझे लगता है टाइम निकल जाता है क्योंकि करना ही है और और कुछ है नहीं लाइफ में एक्चुअली ऑनेस्टली यही यही हमारा फन है इतना भी बोरिंग you know, uh, like नहीं है so, you know, ज्यादा काम में इन रोज जो कि आप जान के टाइम निकाल रहे हो या फिर यू आर ऑल्सो बैलेंसिंग योर वर्क लाइफ I I I am 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 cooking and and working. Okay? I am trying to to, take out time for exercise and give priority to, uh, you know, my health and my body. But uh, हम mostly काम कर रहे हैं और cooking cooking से मुझे प्यार है मैं वो कर रही हूँ मुझे exercise करना उतना पसंद नहीं है तो हमें वो नहीं कर रहा हूँ तो जिस चीज को आप लाइक करते हो ना वो हो जाते और टाइम भी तुझा ऐसे ही चल रहा है ना लाइफ में कि हम कर सकते हैं फोकस हमारी अभी कोई और ऐसी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में अभी नहीं है तो काम कर सकते हैं हम अभी मतलब मैं इस सेंस में पूछ रहा था कि जैसा आप एनिमेशन का काम करते हो तो बेसिकली ये डिजाइनिंग है तो ऐसे चीजों में हम खुद को रोक नहीं पाते तो अगर आप अपना टाइम ब्लॉक कर दिया एक प्रोजेक्ट के लिए एनिमेशन करते हुए और फिर अगर आपके दूसरे भी कमिटमेंट्स हैं जैसे आपको यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट डालना है रिलेवेंट रहने की भी है या आपको फिर दूसरा भी कुछ करना है या कुछ कंटेंट कंज्यूम भी करना है तो ये सब चीजें एक साथ कैसे हो पाती है ये सब चीजें समा हो रही है क्योंकि मुझे ये लगता है ना जैसे आ, मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ जैसे अभी मैं एक हफ्ते से वो एक इंस्टाग्राम पे वो एक डांस वीडियो पता नहीं आप लोग ने देखा है पोस्ट सबको दिख क्योंता है, है। देखते तो वो एक मुझे लगता है कि मैं डिसिप्लिन जैसे आ, मैं रोज़ रात को साढ़े दस बजे वो शुरू करती हूँ बनाना और एक बजे वो ख़त्म होता है और मैं रोज़ ग्यारह बजे वो पोस्ट करती ही करती हूँ चाहे मेरी लाइफ में कुछ चल रहा हो या नहीं तो एक हफ्ते से वो तीन घंटे रात के इस चीज़ के लिए हैं और मोस्टली जैसे क्लाइंट वर्क मेरे को लगता है कि मैं सुबह ऐसे दस से मतलब एक दो तक ऐसे क्लाइंट वर्क में ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि कॉल्स वॉल्स होती हूँ तो मैं अपने डे को ना ऐसे डिवाइड करके रखती हूँ और मोस्टली जो आप कुकिंग का कर, कहते हो तेन जब वो मैं संडे ही वो संडे ज्यादा करती हूँ कि मुझे संडे पसंद है उसमें मैं वो पूरा एलेबोरेट कुकिंग का कर लेती हूँ तो मैंने ना छोटे छोटे चंक्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है कि किस टाइम में क्या करूंगी तो आई गेस दैट वर्क फॉर मी राइट इससे थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है आ, थोड़ी सी हमने इस पर बात की है लेकिन मेरे को इसमें जानना ये था कि जो आपका नेचर ऑफ वर्क है जो आपने जब स्टार्ट किया था फ्री और जब आप काम कर रहे हो उसमें डेफिनेटली बहुत चेंज है राइट तो आप जब तब काम कर रहे थे और आपसे ग्रो किए और कई दफा आपने शिफ्ट भी किया अपने स्टाइल को प्रवोट किया दूसरे दूसरे चीजों में जैसे आप बताते तो थ्री भी शुरू किया या कुछ सीरीज बनना शुरू की तो ये आप कैसे आपको समझ में आता है कि ठीक है अब अब पीवोट करने का टाइम आ गया है अब शिफ्ट करने का टाइम आ गया है अभी ये स्किल तो है मेरे पास में बट दूसरा स्किल लेना है लेकिन दूसरा स्किल मेरे को यही पर्टिकुलर स्किल लेना है दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कृष्णा एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में जब से डिजिटल आर्ट आया ना चीज़ें मतलब तीन तीन चार चार साल बाद ना एक सैचुरेशन आता होगा आपने देखा होगा कि जो टोटी इलेस्ट्रेशन था तनुजा को भी पता होगा वो छोटे हेड्स और ह्यूज बॉडीज वाले जो इंसान थे उसका कितना हाँ। स्टाइल का तो उस टाइम वो बहुत ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता ही रहता है कि एक स्टाइल आपको री करना ही पड़ता है तो मैं जैसे बता रही थी कि वो फ्रीलांसर डॉट इन से मैंने वो व्हाइट बोर्ड वीडियो से स्टार्ट किया पहले वो बनाना सीखा फिर उसके बाद मैंने जब ये बीबीसी का प्रोजेक्ट आया मैंने कभी पे नहीं काम किया था थी, थी। तो कृष्णा तो तो आपको अपनी स्किल को कुछ ना कुछ चेंज फ्रीलांसिंग में जैसे मैं बताती हूँ मना नहीं करती मैं आई एम वेरी ओपन टू लर्न कि ठीक है आप ये हो तो थ्री में क्या हुआ था ऑनेस्टली सिद्धार्थ माई पार्टनर ही वॉज a dreamer that he had to be a 3d artist and seven years long he did job in 2d animation but when we got married and i was freelancing then he thought how freelancing my scope and he left the job and he started learning 3d from the basic mm. he started learning cinema 4d so i saw him learn for good one year and then start working in uh, you know big 3d projects for clients he started small but then slowly 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 i saw him growing so well then he only guided me ki why don't you start ki tumhara itne acche 2d sketches hai tum bas try karo blender is a free software tum bas try karo apne sketches ko convert karna so he just paved the path for me तो मैं YouTube पे देखने लगी कि Blender के इतने सारे resources हैं तो COVID जब वो peak second wave में था हम दोनों ही बहुत बीमार थे तो हमने थोड़ा सा pause लिया हुआ था तो उस टाइम में बहुत बोर हो रही थी तो आई स्टार्ट लर्निंग ब्लेंडर और एक एक अपना टू का स्केच मैंने कन्वर्ट uh, करने लगा थ्री में और उसी से मेरा पहला एन बना था फर्स्ट टू स्केच जो जार का था उसको मैंने चेंज किया था थ्री में एंड uh, तभी मुझे लगा कि धीरे धीरे अगर मैं भी ये सीखूंगी तो प्रॉबर् मैं सिद्धार्थ की हेल्प कर पाऊंगी उसके प्रोजेक्ट्स yeah. में थ्री तो वो बहुत ही ऑर्गेनिकली और नेचुरली आ गया लाइफ में कि अब थ्री में मूव हो जाना चाहिए

नहीं मार्केट में तो टू का भी बहुत है लेकिन मेरे पास लोग तो काम कर ही रहे हैं कृष्णा बहुत बढ़िया टू डी का काम जैसे पैकेजिंग वैकेजिंग में तो अभी भी हार्ड को टू डी इलस्ट्रेशन ही चल रहा है तो ऐसा नहीं है पर धीरे धीरे शिफ्ट तो आ रहा है क्योंकि हमारे पास भी प्रोजेक्ट्स हैं थ्री के अभी पड़े हुए हैं तो मार्केट इज गेटिंग ओपन फॉर थ्री बट क्योंकि थ्री डी इज मोर एक्सपेंसिव एंड मोर टाइम टेकिंग तो अभी थोड़ा शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है but we are catching up 3d is actually catching up i have a don't question krishna because she was really sad that she's not able to get into nid and nid majana hey and it takes a long time to and we were i don't know if so, i wouldn't have gotten into nid i might have just you know continued working as a freelancer or just designing and going at my own pace Uh, do you think going to to such such colleges colleges, help? And for people who have not been to such colleges, can you like share some tips? How should they start? And हाँ ah, मतलब yeah, बहुत ऐसे कुछ लोग जाते हैं, ना? तो वही। Actually, आ, ये बहुत मुझे लगता है कि आ, फ्रीलांसिंग में कभी डिग्री का तो ऐसा काम नहीं आता हाँ अच्छी प्लेसमेंट और अच्छी जॉब करने में तो आपको ओब्वियसली जैसे यू नो कंपनीज देखती हैं कि क्या डिग्री uh, uh, और वो तो मेरा मेरी लाइफ में भी ना ये हुआ था कि ऐसे नहीं कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया मैं ये सब इंस्टीट्यूट्स के लिए ट्राई कर रही थी सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी इमोशनल स्टोरी दैट आई माय डैड यूज्ड टू टेक मी टू यू नो कि वो आईआईटी का एग्ज़ाम uh, दिलवाने आईआईटी का जो डिज़ाइन वाला एग्ज़ाम था ये वो करके तो so, uh, उस टाइम ये हुआ कि uh, एन आई डी का एग्जाम मेरे फादर ने मुझे देने ही नहीं दिया इज लाइक कि नहीं नहीं आई वॉन्ट यू टू यू नो स्टे विद मी डोंट यू टू बी दिस इम बाहर पढ़ने चल जाओगी ऐसे नहीं तो बाहर में अहमदाबाद यही तो जान रही हूँ एटलीस्ट लेट मी गिव दिन देखने तो दो कितने पानी हुए पास दो आई थिंक उनका ये था कि जितने भी मंथ है आई शुड स्टे विद तो उस टाइम ऐसा हुआ कि आई डिन नोट गेट अ चांस टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन बट आई थिंक एवरी थिंग फेल इन टू प्लेस प्रिडिकेक्टली फॉर मी बिकॉज मैंने अभी तक तो uh, ऐसा कुछ करियर वाइज ऐसी अपरचुनिटी मिस आउट हो गई कि uh, मैं कॉलेज नहीं गई ऐसा हुआ नहीं इनफैक्ट अभी फेबररी में मैं आई आई टी गई थी वाराणसी एंड वहाँ पर मैं वर्कशॉप देखे आई तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था क्योंकि मेरी मम्मा हमेशा कहती थी यार कोई बच्चा तो आईआईटी से पढ़ के आए या तो, तो गिर मम्मा पढ़ा के आ हुई तो आई रियली हैप्पी दैट वीज बट मुझे ये लगता है कि देखो इफ इट इज योर ड्रीम सम पीपल आर वेरी यू नो दे वांटेड जैसे तनुजा रियली वॉन्टेड फ्रॉम लाइक वेरी यंग एज उसको पता था उसको ये इंस्टीट्यूट में जाना है सो so, सबका अपना अपना कॉल है और इट्स नॉट जरूरी कि आपका करियर तभी बनेगा इफ यू हैव अ टैग ऑफ अ कॉलेज

स्किल्स तो अलग बात है ऐसा मुझे लगा नहीं है कि इतना फर्क होता है क्योंकि अगर आप कॉलेज से नहीं सीख रहे हो तो आप लाइफ से तो सीख ही रहे हो ना हमेशा बंदा सीख ही रहा होता है अगर मैं यूट्यूब से सीख रही हूँ आप कॉलेज से सीख रहे हो तो सबको वही नॉलेज तो ना वर्ल्ड में बहुत ही आउट देर एंड फ्री टू ऑब्जॉर्ब है तो मुझे लगता है कि सब कहीं ना कहीं से तो सीख ही लेते हैं बातें मैं इतने सारे पॉडकास्ट और ये मुझे मौका मिला आप लोग का सुनने का तो मैंने वो सुना तो कहीं ना कहीं आपके जो टीचर ने बताया था जैसे आप एक आर्किटेक्ट थे जो आई थिंक के सीनियर तो उनका पॉडकास्ट मैंने सुना तो उनके जो टीचर ने बताया वो मेरे तक पहुंच गया पर मैं एनआईटी गई भी थी तो जो नॉलेज है वो मिल जाती है ऐसा मुझे लगता है नॉलेज के लिए बस

इलास्ट्रेशन बनाने वाले क्लाइंट्स आते हैं। तब पास अभी बहुत अच्छे हमने अभी स्पॉटिफाई का किया और वो आई थिंक मेरे कोई सोशल मीडिया चैनल से ही आया जो एजेंसी स्पॉटिफाई को हैंडल कर रही थी उसके बाद स्विगी के एक पर्सन ने इंटरनली ही देखा मेरा काम इंस्टाग्राम पे तो स्विगी क्या हमने थोड़ा बहुत काम किया एक दो महीना तो मुझे लगता है कि अब जो मेरा जो थ्री डी वर्क आउट है ना तो जैसे अभी मैं uh, मैं इनफैक्ट तो करती हूँ कृष्णा अभी जो मैं डांसिंग बच्चे बना रही तो मैं कल रात को यही बोल रही थी सोचो एडिडास किड्स वेयर है वो मुझे अप्रोच करे कि ये जो बच्चे हैं वो एडिडास के कपड़े पहन के वो डांस कर रहे हैं तो मतलब मैं ऐसे ना थोड़ा सा मैनिफेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स थोड़ा सा बट मैं ऐसे करती हूँ अगर कोई कंपनी है जिसका मुझे थ्री डी वर्क सा ऐसा सा लग रहा है तो मैं उनको भेज भी देती हूँ और आपका भी ऐसा है तो मैं थोड़ा सा आपका अपग्रेड कर सकती हूँ तो आई एम वेरी दैट वे कि क्या चाहिए क्लाइंट को थोड़ा क्लैरिटी रहती है लकीरें

ऐसा मेरे साथ जिंदगी बदलने वाला तो अभी डेढ़ साल पहले एन एफ टी हुआ था क्योंकि वो मेरा ऐसे वो मैं मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे ने वहां पे जाके दे पेड़ आई थिंक रुपीज तो मेरे लिटरली पैरों तले जमीन मेरा भी ऐसे ही हो और निकला था आई वो फ्लोर ये क्या हो गया तो आई uh, थिंक मेरा लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस फिर वो आर्ट वर्क जो मैं कॉन्स्टेंटली कर रही थी वो कॉन्स्टेंटली हॉट केक्स जैसे सेल होते वैसे एक टाइम पे मेरे जार सेल हुए एंड देन फिर मेरे को इस्तानबुल बुलाया गया क्योंकि एक जार था वो थोड़ा इस्तानबुल के कल्चर जैसा था उसमें हॉट एयर बलूनस थे तो वहाँ पे बड़ा अच्छे से उसको डिस्प्ले करके आई वेंट देयर तो ये सब चीज़ें मेरी जो टर्निंग पॉइंट्स हुए वो एन के थ्रू ही हुए

That comes from heart. It's not like you have to push, but yeah, seeing something that you're, you're doing some heart is, you know, bringing you money as well. I can't tell yeah. you when I make it's these illustrations, I Instagram and would press Dahlia yeah. and go, which will turn बट तनुजा उसके बाद भी मैंने वो इंस्टाग्राम पे वो सब ना डालना बंद ही किया मुझे मतलब हाँ। बहुत आर्टिस्ट ने ना ये सोचा कि भाई अब वो बनाएंगे तो बेचेंगे बट हम हाँ, मेरा और तुम्हारा जो वर्क के लिए लव है ना वो उस तरह का नहीं है वो मैं तुम्हारा भी जो पॉडकास्ट सुन रही थी जब तुमने कृष्णा के साथ किया था तो यू जेनवनली लव वॉट यू डू एंड आई ऑल्सो लाइक दिस पॉइंट दैट यू शेयर कमिंग बैक टू यू आई ऑल्सो बिलीव इन नॉट वर्किंग टू मच टू अचीव परफेक्शन आई बिलीव इन कम्पलीशन मेरे को है कि कल सुबह मैं नाश्ता हुआ बच्चा डाल दूंगी उसमें हल्का सा एरर भी होगा ना उसकी आँख एक बंद रह गई और पूरा रेंडर निकल गया आई विलट इट गो बट नॉट इन क्लाइंट ऑफकोर्स अपना पर्सनल वर्क में तो मुझे ये लगता है कि आई बिलीव इन कम्प्लीटिंग थिंगफेक्शन वाला बात yeah. तो देट वॉज

ऐसे लोग जैसे मैं हूँ जो परफेक्शन और अपना कंटेंट डालने के पीछे थोड़ा हिचकिचाते हैं इंस्टाग्राम पे मतलब आप और तनुजा तो हो ही इंस्टाग्राम के चैंपियन लेकिन आप ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस देंगी जो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते ही रहते हैं लेकिन क्रिएट करके शेयर करना कर नहीं पाते वो है, आ, सोशल मीडिया पे एक्चुअली ऐसे लोग क्लाइंट वर्क बहुत अच्छा करते हैं तो बेसिकली <laughs> शुभांगी और सिद्धार्थ में से सिद्धार्थ ऐसा पर्सन है वो इतना क्लीन काम करता है बाई गॉड वो मतलब एक 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 चीज देख के तो आई थिंक कृष्णा दिस विल आल्सो वर्क फॉर यू जब आप लोग क्लाइंट वर्क करोगे ना तो uh, थोड़ा सा जैसे अगर पहले सिद्धार्थ और मैं एनिमे वो मैं इलास्ट्रेशन करती थी वो एनिमेशन करते थे तो वो मेरी फाइल खोल के एकदम चकरा जाते थे <laughs> भी ढंग से नहीं की और वो नेमिंग करता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में और वो सब पूरा राइट right. तो परफेक्शनिस्ट लोग सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है तो मुझे लगता है कि आप लोग क्लाइंट वर्क में बहुत अच्छे से करो और जहाँ तक कि इंस्टाग्राम की बात रही ये तनुजा और मेरा मीडियम है अच्छा आर्टिस्ट बनने का थ्रू इंस्टाग्राम जरूरी नहीं है हर अच्छा आर्टिस्ट का यही मीडियम हो ये एक हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है

बिना किसी प्लेटफॉर्म पे आने दे तो आ, एक तरीका नहीं होता कृष्णा आपको बस एक्सप्रेस करना आप जरूरी नहीं इंस्टाग्राम ही एक माध्यम है तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा आप और कोई सोशल मीडिया भी यूज करते हो जैसे लिंक ट्विटर हाँ मैं सारे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ आई थिंक ये मेरे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को ऐसे इग्नोर नहीं करती क्योंकि कब जैसे टिकटॉक बंद हो गया था इंस्टाग्राम की अब पोस्ट लिटरली चार लोगों को दिखती है मेरी जो मेरी फैमिली है तो ये सब ना सोशल मीडिया में ऊपर नीचे होता रहता है तो मुझे लगता है कि एक और मतलब कितना टाइम लगता है आप जो पोस्ट इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो सेम आप लिंक के लिए बनाओगे तो मुझे लगता है अपनी और हर हर तरह पे ना कृष्णा अलग टाइप की ऑडियंस होती है लिंक्डइन पे तो मतलब आपको लिटरली काम अच्छे से मिलेगा इंस्टाग्राम पे आपको बहुत लोग डिफरेंट टाइप के मिलेंगे जो बहुत फालतू भी बात करेंगे और इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है लिंकडन और ट्विटर का अलग स्पेस है ट्विटर इज मोर एन क्रेजी वाला जो मैं जिस कम्युनिटी में ट्विटर में अपना पोस्ट करती हूँ

तो अब कैसा होगा इसके बाद में देखो फ्यूचर मुझे ऑनेस्टली ब्राइट ही दिखता है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ खत्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा एआई से मैं मैं वन ऑफ दोस करूंगी मुझे बाकीयों को तो पता नहीं जैसे वही है ना टू डी से थ्री डी शिफ्ट हो रहा है थ्री डी से फोर डी फाइव डी से वो ऑक्यूल वी आर वगैरह होगा तो मैं तो एक पर्सन हूँ जो टेक्नोलॉजी के साथ शुरू से ही चला है एक्चुअली ये रेवोल्यूशन तब भी आया था मेरे हिसाब से जब जब लोग ट्रेडिशनली पेंटिंग करते थे और फोट, फोटोशॉप निकला होगा सब फोटोशॉप में वो ट्रेडिशनल जैसा इफेक्ट कर रहे थे तो एक आर्टिस्ट तभी सरवाइव करेगा अकॉर्डिंग टू मी जब वो अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल करता रहेगा आर्टिस्ट नहीं डॉक्टर भी आ, इंजीनियर भी हर एक तो हर प्रोफेशन हर प्रोफेशन में आपको अपग्रेड और अपस्किल करना ही पड़ेगा तभी और मुझे ए का तो ये लगता है कि मैंने एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ के यही समझा था कि अगर हम ए से डर रहे हैं और हमें लगता है ए हमारी जॉब ले लेगा लेकिन ए चलाने वाला बंदा हमारी जॉब लेगा ए नहीं हमारी जॉब लेगा तो क्यों ना हम ही ए को एम्प्रेस कर अब जैसे एज एन आर्टिस्ट हम कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं ए ए आई को जैसे अब हम जो खुद स्टोरी बोर्डिंग और वो सब करते थे पहले बहुत सारे रेफरेंस से हम फोटोशॉप में जो कोलाज बनाते थे हमारे लिए ही मेरे हिसाब से इजी होना चाहिए एआई से कि वो हमारे लिए प्रोटोटाइप्स क्लाइंट को उस टाइम दिखाने के लिए जो हम रैंडम रेफरेंसेस भेजते थे हम वो कर दें कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी कि अभी भी आप देखोगे जो ब्रांड्स हैं वो डायरेक्टली एआई का एड नहीं निकाल रहे अभी भी ह्यूमन टच तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है आठ बिना ह्यूमन के हो ही नहीं सकता बिना इमोशन के हो ही नहीं सकता तो नहीं। मुझे लगता है ह्यूमन प्लस एआई की टीम बहुत अच्छी है अगर अच्छे से यूज किया जाए तो आपने यूज करना शुरू कर दिया है अपने काम में मैंने अभी आ, मैंने अभी एक्सप्लोर करने शुरू किए हैं ऑप्शंस बट वही मैं कह रही हूँ कि मैं धीरे-धीरे सीखूंगी कि मुझे किस उसमें मुझे अब वो एक्चुअली मैं सैचुरेट हो चुकी हूँ वो वाला आर्ट देख के जो मिड जर्नी में बनता है <सथाँगा> एक... बाए, बाए. हाँ ये इंडस्ट्री बड़ी जल्दी सैचुरेट इसलिए घबरा रही कि की मैं आर्टिस्ट इंस्टाग्राम पे लोग कहते हैं मैडम देखो जार बन गया आपका घूम भी रहा है ये आपसे भी अच्छा मैगर नहीं वो जार जो आप मुझे ए का दिखा रहे हो ना मुझे वो बहुत ही इनह्यूमन लग रहा है वो बहुत ही रोबोटिक जा रहा है जब तक मेरी छोटी सी छोटी इमोशनल सी के साथ कैट के साथ डॉग के साथ वो वाली फील नहीं आएगी ना वो नहीं होगा तो फिर मुझे ये लगता है कि वो बहुत ही जो मिड जर्नी वाला एक जैसे टाइम का जो आर्ट था जिसकी सब अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना रहे थे right. एक ही जगह पे लाइटिंग पड़ रही थी एक ही जगह पे शेडो थी वो नहीं चलेगा वो 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 कितनी देर तक तक चलेगा तो मुझे मुझे अभी तक तो थ्रेट नहीं मुझे नहीं नहीं लगा मैं देखती को हमसे स्मार्ट स्मार्ट है 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 ह्यूमन ह्यूमन से का जो साइड नहीं होता वो हो सकता है i'm going to the whole city i the because though maybe now book was done by book illustration and the book kitchen i to some images i don't know i, I somehow felt it's such a because we have a vision right for ourselves that what kind of and it's very really abstract, it's just here. Now, if you draw a drawing, it won't make sense to me. No? So, why? And if you have a hyper realistic thing, it's very like how I want it to be. So, yeah, but I think it's good for people who can't draw. Uh, yeah. We, <laughs> the neighbor of work eliminate. प्रोटोटाइपिंग के लिए अच्छा है अब उसके आगे देखो कितना ये गीक्स इसको और इवॉल्व कर पाते हैं आगे क्या होता है पता है एक्चुअली आप लोग पूछ रहे हो फ्यूचर क्या है फ्यूचर क्या है मुझे सबसे अच्छा लगता है ना कि सबसे बढ़िया बात है लाइफ की फ्यूचर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है ना तो मुझे जानने में इंटरेस्ट है क्या मतलब पर मेरे अंदर ना बड़ी क्यूरियोसिटी है क्या है फ्यूचर की कुछ कुछ तो सरप्राइजिंग होगा ही जैसे ये सब चीजें धीरे धीरे अब हमें तो बिल्कुल भी एन का आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा कि यू you नो know, आप ऐसे सेल कर पाओगे अपना वर्क डिजिटली मुझे तो मे, मेरा माइंड इतना क्लोज था ना दो तीन साल पहले मुझे यही लगता था कि मैं क्लाइंट वर्क के थ्रू ही अर्न कर सकती हूँ चिल्ड्रंस बुक हो सकती है ये हो सकता है अब अब जिस तरह से हर चीज चेंज हो रही है ना तो हम सब लोग एज एन आर्टिस्ट यही मेरी एडवाइस रहेगी कि फ्लेक्सीबल मत रहो फ्लूड रहो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है लर्न करो और ये कभी मत सोचो कि यही बात पे चलना है फ्यूचर में मैं अभी जैसे मैं तनुजा को यूट्यूब के बारे में भी बोल रही थी तो मैं इसलिए चल रही हूँ अभी यूट्यूब में क्योंकि आई एम इंजॉइंग द प्रोसेस बट आई एम नॉट रिजिट कि मुझे यूट्यूब से ही यू नो अर्न करना है यूट्यूब करते करते मेरे को कोई और आइडिया आ जाएगा तो मैं बहुत फ्लूड हूँ उस चीज को लेके तो मुझे लगता है आर्ट फील्ड में यही लर्निंग और ये सब ही रहना चाहिए बट आपको क्या है मतलब आई यू प्लानिंग टू लाइक ओपन योर स्टूडियो और समथिंग और मे बी यू वॉन्ट टू यू नो जस्ट वर्क टुगेदर विद योर पार्टनर एंड हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स आर द वर्ल्ड हाउ डू या सिद्धार्थ एंड आई कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट इट कभी कभी तो जब वी हैव स्वम्प्ड विद वर्क ना आई रियली वॉन्ट कि ऐसा कुछ स्टूडियो जैसा हो जाए मेरे को लगता है कभी कभी बट मुझे कभी कभी ऐसा स्मॉल स्केल पे भी ऑपरेट करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ही यू नो क्लाइंट से बात कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है तो आ, ये तो डिलेमा ही है कि आगे क्या होगा कि स्टूडियो studio... मैं बहुत फ्यूएड हूँ मुझे नहीं पता कल को स्टूडियो हो भी सकता है कुछ कोई अच्छी पार्टनरशिप हो जाए या कुछ हो जाए तो सिद्धार्थ और मैं बहुत ओपन टू चीज़ें रहते हैं इन इन सब मामलों में right, right. Uh, एक बात छूट गई थी uh, तनुज अगर हमारे पास में समय है तो मैं पूछ सकता हूँ क्या वो बात या श्योर हां एक छोटी सी बात आपने पीछे बोली थी uh, अपने डिस्कशन में कन्वर्सेशन में कि जो आपके पार्टनर है वो काफी परफेक्शनिस्ट है और जब उन्होंने आपकी फाइल्स देखी तो वो भी चक्का बक्का रह गए कि आपने लेयर स्लीमिंग uh, ये ऐसी करनी चाहिए आपको क्या लगता है कि ये सब जो डिसिप्लिनरी चीजें हैं ये हम

कि वो करेंगे मतलब उनका फर्स्ट थिंग है, तो तो है कि मुझे बहुत करना है अपने आप को बट जरूरी तो है यू कांट uh, किसी और को प्रॉब्लम में डाल दोगे अगर खुद की फाइल है बाद में खुद ही काम करना है तो कोई टेंशन नहीं है बट कोई और काम करेगा तो एक डेकोरम करना तो बहुत जरूरी है नेमिंग और ये सब राइट 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 तनुजा तुमको सवाल या आई जस्ट लाइक आई थिंक जस्ट विल बी द लास्ट क्वेश्चन हाउ डज इट फील लाइक टू वर्क विद योर लाइक पार्टनर एंड एक नो इन के अप्रिसी साथ की काम की है देन आर बी हाउ डज इट फील लाइक और इसी को एडिंग प्रॉब्लम एक क्वेश्चन आपके कुछ क्रिएटिव क्लैशेस भी होते हैं क्या uh, पहले तो तनुजा इट इज वेरी नाइज फॉर मी टू वर्क विद सिद्धार्थ बिकॉज ही इज अभी भी ऐसा नहीं लगता कि टू मच ऑफ सिद्धार्थ हो गया बिकॉज ही इज अ वेरी क्वाइट पर्सन तो uh, मतलब मैं मुझे तो हमेशा लगता है कि कम ही बात हो ही है हमारी ट्वेंटी फोर आवर्स में भी तो ही टॉक्स वेरी लेस एंड ओनली द इम्पॉर्टेंट स्टेप ही स्किप्स नॉन रेलिवेंट पार्ट मुझे अच्छा ही लगता है सिद्धार्थ के और वी नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू यू नो टॉक अबाउट हमेशा सबसे ज्यादा मजा ब्रेन में आता है तो जब हम एन बना रहे थे अपना तो जार वर्ड तो मेरा एक पर्सनल था बट मैंने सिद्धार्थ के साथ एक रोल फर्ज करके रोलिंग ऑन द फ्लोर लापिंग हम ये सात निकाले थे और इसमें से आई थिंक चार तीन चार बिक गए हैं कुछ रिमेनिंग है

एंड उसका बहुत मेरे को बहुत लोगों ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा वो बोला था कि यार मतलब दिस इज द मोस्ट जॉयफुल थिंग दैट वी हैव एवर सीन वो हस्से आई वांट हिम टू यू नो स्टार्ट मेकिंग देम अगेन बट ही इज सो बिजी बट वो बहुत वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट पर्सनल प्रोजेक्ट था सिद्धार्थ के साथ तो और अ, 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 लास्ट पॉइंट जो आप पूछ थे क्लासेज का इनिशियली बहुत क्लासेज आते थे जब हम कॉलेज में थे और हमने काम करना शुरू किया था तो ऑनेस्टली इतनी सारी बात पे मनी पे भी बहुत क्लैश आता था कि क्या कोट करे और ये करे और मैं कहती थी कि ज्यादा कोट करे वो कहता था कम कोट करे इतनी सारी बातों पे क्लैश आता था और अभी सिर्फ क्लैश आता है कि जब मैं ईमेल सेंड कर रही होती हम मेरे इतने ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं इस बात पे अभी क्लैश आता है बाकी इतना टाइम हो गया ना तो आपको पता है कि दूसरे बंदे के ट्रिगर पॉइंट्स क्या है तो फिर आप वो नहीं करते हो तो एडजस्ट uh, हो ही जाता है। राइट right. ये ग्रामेटिकल क्लास भी एआई दूर कर देगा। हाँ, क्या दूर कर देगा? ग्रामेटिकल। एआई चांट भी दूर कर देगा। हाँ, एआई का सबसे ज़्यादा हेल्प में वो ग्रामेनली सॉफ्टवेयर है ना, जो ये निर्देश लेती हूँ। But I think I've seen you guys together and I think your set fact also completely different. I mean uh, The kind of work you do, I don't think anybody will be able to. but I have also tried. Hai na? But I think nobody can get into it. Like it's your area. And I think the kind of work Siddhartha does that I also look at keep looking at his work on I think Instagram and very precise and very, other uh, you know, neat cover So I think uh compliment children I just think that

So, Thank you Thank you. Thanks, you. All the very best to you. I hope pop all our famous adults or all very You know, I will see